हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिल्ली की खबर आपका कर रही है इंतजार, लेकिन उससे पहले गुना में क्यों हुआ है बवाल, हमारी ये खबर देगी पूरी जानकारी। एक पुलिस की उच्च अधिकारी भीड़ के सामने हाथ जोड़ रही हैं। जंगल के बीचों बीच दो शख्स एक दूसरे को मुंडी उतारने की धमकी दे रहे हैं। फेंक दे मुंडी, मुंडी फेंक, ए मुंडी फेंक, मुंडी नहीं मुंडी फेंक तू, रुक जा अब यार। तस्वीरें एमपी के गुना की है। ये पूरा विवाद 10,000 हेक्टेयर की जंगल की जमीन पर कब्जे का है। जमीन पर कब्जे के लिए गुना के डोबरा बीलखेड़ा में आदिवासी और एक समुदाय के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 300 से ज्यादा आदिवासियों ने विरोधी पक्ष पर हमला कर दिया। आदिवासियों पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ पैर काट डाले, 8 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमारे बच्चों को इस कदर काटे हैं कि कुल्हाड़ियों से, और 300 गोखने चल रही साहब, हम हमारी जान कैसे बचाएं। थानेदार साहब पहुंच गए वहां पे, दरोगा जी पहुंचे, दरोगा जी ने 4 फायर करे उनके ऊपर, लेकिन फिर भी दरोगा जी को खुद को जान बचाना मुश्किल पड़ गई। गंभीर हिंसा और आरोपों के बावजूद आदिवासी समुदाय के लोग प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए फतेहगढ़ थाने का घेराव करने पहुंच गए। उन्मादी भीड़ के आगे प्रशासन को हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन आदिवासी घर जाने को तैयार नहीं थे। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मामला शांत नहीं हुआ। घटना की जानकारी तुरंत आला अधिकारियों को दी गई। गुना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक 4 थानों की अतिरिक्त पुलिस फोर्स लेकर फतेहगढ़ पहुंचे और मामले को शांत करवाया।